क्या उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्डरों की नकेल कसने जा रही है? हाल के दिनों के अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश सरकार जितने डिफॉल्टर बिल्डर्स हैं उन पे कार्रवाई करने जा रही है। क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और इस एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो बाहर से देखने में लगता है सच्चाई कुछ और होती है, कहानी कुछ और होती है। सबसे पहले मैं उन मीडिया हेडलाइंस की बात कर दूं जिसके भरोसे पब्लिक में एक परसेप्शन बन रहा है कि सरकार बिल्डर्स पे कार्रवाई करने जा रही है। पहली न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन बिल्डर्स की लिस्ट मांगी है जिन्होंने होम बायर्स को OCCC मिलने के बाद, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद घर डिलीवर किया है, परमिशन दिया है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई है। दूसरी खबर यह है कि यूपी गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार किया है जिसके तहत डिफॉल्टर बिल्डर्स जो हैं वो आगे किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रेश अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तीसरी खबर, नोएडा अथॉरिटी ने अपने रूल्स चेंज किए हैं जिसके तहत अब जैसे ही एक होम बायर घर की बुकिंग करता है वैसे ही उस फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाएगी। तीनों रिपोर्ट्स देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की समझ में आ गया है कि ये बिल्डर्स जो हैं वो होम बायर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, पूरे सिस्टम को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन ऐसा है नहीं। जब मैं इस पूरे मामले को क्लोजली देखता हूं तो ऐसा लगता है कि सरकार या सरकारी तंत्र खुद को बचाने में लगा है। ऐसा नहीं है कि ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो होम बायर्स की तकलीफ को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। हालांकि पब्लिक परसेप्शन यही है कि सेक्टर में बहुत मैल प्रैक्टिसेज हैं, सरकार उसको चेक करने जा रही है। और ऐसे भी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो तीन मेजर प्रॉपर्टी मार्केट, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे, जो इंडिया का मेजर प्रॉपर्टी मार्केट है और जहां सबसे ज्यादा कंज्यूमर ग्रीवांसेज हैं, तो मीडिया परसेप्शन पे और मीडिया रिपोर्ट्स पे, चूंकि मीडिया रिपोर्ट्स ने सवाल नहीं उठाया है, गहराई में जाने की कोशिश नहीं की है, तो यह एक परसेप्शन बनना लाजमी है कि सरकार अब कार्रवाई करने जा रही है होम बायर्स के लिए। क्या वाकई ऐसा है? नहीं। सच तो यह है कि ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो बार बार सरकार के पास जा रहे थे कि उन्हें बिल्डर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। यह पूरी गवर्नमेंट मशीनरी बिल्डर्स के सामने नतमस्तक हो गई थी, हेल्पलेस हो गई थी। ये वो बिल्डर हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज के सामने तो डिफॉल्टर हैं, लेकिन जैसा कि हम उनके लिए अक्सर एक टर्म यूज करते हैं, दे आर रिच प्रमोटर्स ऑफ सिक कंपनीज। और इसीलिए जरूरत सरकार को इस बात की लग रही है कि पॉलिसी ट्विक किया जाए इस जिससे कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो बिल्डर के आगे हेल्पलेस नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले न्यूज आइटम पे आता हूं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज को एक लिस्ट प्रिपेयर करने को कहा गया है उन डिफॉल्टर बिल्डर्स का जो फ्लैट्स का हैंडओवर कर रहे हैं बिना रजिस्ट्री के। क्या यह बायर के वेलफेयर के लिए है? नहीं। ये गवर्नमेंट मशीनरी का आइडिया है खुद को बचाने का, क्योंकि बिल्डर्स जिस तरीके से बिना रजिस्ट्री के हैंडओवर कर रहे हैं अपार्टमेंट्स, उससे स्टेट एक्सचेकर का स्टैंप ड्यूटी का लॉस हो रहा है। यहां यह बताना जरूरी है कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट सेक्शन 13 ये क्लियर कहता है, और साथ में अगर मैं स्टैंप एक्ट 1899 को भी ले लूं तो ये मैंडेटरी है डेवलपर्स के लिए कि वो फ्लैट हैंडओवर करने के पहले रजिस्ट्री करवाएं। लेकिन इन बिल्डर्स का गट्स देखिए कि ये होम बायर्स को घर डिलीवर कर रहे हैं बिना रजिस्ट्री के। अभी कुछ दिन पहले यूपी रेरा ने भी एक ऑर्डर पास किया था कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ए मस्ट है लेटर ऑफ पोजीशन भी ऑफर करने के लिए, पोजीशन छोड़िए लेटर ऑफ पोजीशन के लिए। लेकिन नोएडा की ही मैं बात करूं तो यहां
कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि 23,000 फ्लैट्स बिना रजिस्ट्री के हैंडओवर कर दी गई हैं। 66 बिल्डर्स को पहले भी इस बारे में नोटिस दिया गया था। यहां यह भी बताना जरूरी है कि ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं ये भी बहुत सारे मामलों में खुद इनकैपेबल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं अपना ड्यू कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया है, जो रिपोर्टेड रिवेन्यू लॉस की बात हुई है वो है 12,000 करोड़, जिसमें 600 अनरजिस्टर्ड अपार्टमेंट की वजह से गाजियाबाद में 12,000 करोड़ का रिवेन्यू लॉस बताया गया है। वाकई एक अपार्टमेंट का प्राइस क्या है, स्टैंप ड्यूटी कितनी है, यह कौन सा कैलकुलेशन है कि 600 अपार्टमेंट अगर मैं एवरेज 1 करोड़ भी जोड़ लूं और 7% का स्टैंप ड्यूटी भी मान लूं तो 12,000 करोड़ का लॉस कैसे हो सकता है। ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने यह फिगर मीडिया को दिया उनको खुद पता नहीं था कि वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मीडिया, अब आप मुझसे मत पूछिए, हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट जर्नलिस्ट का इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी यहां पे क्या है। और ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने एक फिगर फ्लोट कर दिया कि 600 अपार्टमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुए, गाजियाबाद में 12,000 करोड़ का रिवेन्यू लॉस हो गया और किसी एक जर्नलिस्ट ने गलती कर दी। कई वेबसाइट पे, अखबारों में यह खबर आई गई है और किसी ने भी फैक्चुअल एरर को चेक करने की जरूरत नहीं समझा। पत्रकारिता में जो एक एडिटोरियल कॉपी चेक होती है उसकी जरूरत नहीं समझा। बहरहाल, सवाल यहां पर यह है, बिल्डर्स आखिर वो बिना ओसीसीसी मिलने के बाद बिना रजिस्ट्री के फ्लैट हैंडओवर क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये वो बिल्डर हैं जो रजिस्ट्री को डेलिबरेटली डिले करते हैं और डिनाई भी करते हैं, जिससे कि सोसाइटी का मेंटेनेंस उनके हाथ में बना रहे। वो सोसाइटी मेंटेनेंस के नाम पर एक मोटी रकम होम बायर से वसूलते रहते हैं हर महीने। इसमें मैं अगर वो रिवेन्यू भी जोड़ दूं जो वो इन्फ्लेटेड पावर बिल का लेते हैं। लेकिन जैसे ही फ्लैट रजिस्ट्री होती है, 51% की रजिस्ट्री के बाद होम बायर्स चाहें तो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन बनाकर मेंटेनेंस बिल्डर से ले सकते हैं। सो बिल्डर्स अपनी बिजनेस को बनाए रखने के लिए, इलिसिट बिजनेस को बनाए रखने के लिए रजिस्ट्री ही नहीं कराते हैं। क्या सरकार ने इस लीगल लैक्यूना को अब समझा है? आपका गेस वही है जो मेरा गेस है। 2018 में भी ऐसी बात उठी थी कि प्रशासन की तरफ से इन बिल्डर्स पे एफआईआर कराया जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। सवाल उठता है कि एक्शन कब लिया जाएगा। और जब मैं एक्शन की बात करता हूं तो एक्शन का मतलब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया एक्शन नहीं होता है। चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी ड्राफ्ट पॉलिसी कहता है कि हम डिफॉल्टर बिल्डर को फ्रेश बिडिंग, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की फ्रेश बिडिंग से रोकेंगे। सवाल उठता है कि प्रशासन का डिफॉल्टर बिल्डर की डिफिनेशन क्या है? क्या वो बिल्डर जिन्होंने होम बायर्स के साथ चीटिंग कर रखी है? क्या वो बिल्डर जिन्होंने बार बार प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर नहीं किया है? रेरा में, जब रेरा इनिशियली कंसेप्चुलाइज हुआ था तो एक प्रपोजल था कि द रेगुलेटर विल हैव द पावर टू क्रॉस चेक द क्रेडेंशियल्स ऑफ द डेवलपर एंड इफ ही हैज डिफॉल्टेड ट्वाइस इन द पास्ट ही विल नेवर गेट ए न्यू लाइसेंस। उस क्लॉज का क्या हुआ कोई नहीं जानता है। वो रियल एस्टेट में एक एंट्री बैरियर का काम करता डिफॉल्टर बिल्डर के खिलाफ, लेकिन उसको डाइल्यूट कर दिया गया। गवर्नमेंट का डिफॉल्टर बिल्डर का जो डिफिनिशन है, गवर्नमेंट की डिफॉल्टर बिल्डर की डिफिनिशन वो नहीं है जिन्होंने बायर के साथ चीटिंग की है, बल्कि वो बिल्डर जिन्होंने डेवलपमेंट एजेंसीज का ड्यू पे नहीं किया है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि सरकार का करीब 4,000 करोड़ रुपए सिर्फ 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे, इन 3 अथॉरिटीज में ही 4,000 करोड़ रुपए का ड्यू फंसा पड़ा है। सो
सरकार की नजर में, प्रशासन की नजर में एक फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट और फाइनेंशियली वायबल बिल्डर वो है जो डेवलपमेंट एजेंसीज का ड्यू पे कर रहा है, चाहे उसने होम बायर के साथ जो भी चीटिंग कर रखी हो। तीसरा न्यूज आइटम, नोएडा अथॉरिटी ने जो रूल्स चेंज किए हैं कि रजिस्ट्री आपको फर्स्ट पेमेंट के ही साथ हो जाएगी। ये जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर और बायर के बीच में, जब बायर 10% का इनिशियल पेमेंट करता है उसी समय रजिस्ट्री होगी। बायर्स के लिए कहा गया है कि 2% स्टैंप ड्यूटी अपफ्रंट पे करना होगा और बाकी जो पेमेंट है वो फाइनल रजिस्ट्री के समय होगा। अभी जो प्रेजेंट नॉर्म है उसके अनुसार रजिस्ट्री जो होती है वो फुल एंड फाइनल पेमेंट और कंप्लीशन के बाद होती है। इनिशियल स्टेज में जो है वो 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है। अब ऐसे बैकड्रॉप में अगर हम इसको देखें जहां लाखों होम बायर्स नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में ठगी के शिकार हुए हैं, ऐसा लगता है प्राइमा फेसी कि ये जो है ये जस्टिस फॉर होम बायर्स है, लेकिन इसकी वजह कुछ और है। डेवलपर्स का जो लैंड ड्यू है, जिस वजह से प्रोजेक्ट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जिस वजह से रजिस्ट्री नहीं हो रही है, ये उसको रोकने के लिए किया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा लीगेसी इशू है, क्योंकि पास्ट के गवर्नमेंट्स ने जो डेफर्ड पेमेंट प्लान रखा था जिसके तहत बिल्डर्स को 10% पैसे देकर लैंड अलॉटमेंट हो रहा था, ये उससे डेवलपमेंट एजेंसीज को बचाने का मैकेनिज्म है, ये बायर के लिए नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि इससे हाउसिंग मार्केट में ट्रांजैक्शंस जो है वह ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, बिल्डर जो है वो ड्यूबियस सेल नहीं कर पाएंगे, सेम फ्लैट को 2 बायर को नहीं बेच पाएंगे। होम बायर्स को कहा जा रहा है कि आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड एग्रीमेंट मिलेगा, बट पूरा का पूरा जो ये पूरी कवायद जो है ये सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए है कि गवर्नमेंट का स्टैंप ड्यूटी और डेवलपमेंट अथॉरिटीज का ड्यू उनको मिल जाए, वो बिल्डर्स की मर्सी पे नहीं रहे। हम सब जानते हैं कि डिफॉल्टर कौन है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज बिल्डर से ड्यू क्यों नहीं ले पाती है। अब अगर आप अपफ्रंट 2% स्टैंप ड्यूटी भी ले लेते हैं, होम बायर्स के लिए क्या बदलने जा रहा है? क्या उसको एब्सोल्यूट टाइटल राइट मिल जाएगा इनिशियल स्टैंप ड्यूटी पे करके? दूसरा एक मुद्दा उठता है, क्या अगर बायर चाहे किसी भी वजह से उसका अपना कोई डिस्ट्रेस हो, वो प्रॉपर्टी अपनी वापस बिल्डर को बेच देता है, तो रिफंड कैसे होगा? स्टैंप ड्यूटी जो उसने 2% पे किया है उसका रिफंड कैसे होगा? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये जितने चेंजेस किए जा रहे हैं, जितनी पॉलिसी की ट्विकिंग हो रही है, ये सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू लूज नहीं करे, डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं वो बिल्डर के मर्सी पे नहीं रहे। हम सब जानते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार को पैसे की जरूरत होती है, लेकिन होम बायर्स के इंटरेस्ट का क्या? कौन इंश्योर करेगा कि होम बायर्स के साथ चीटिंग नहीं हो? सरकार तो अपना रेवेन्यू ले लेने के लिए पूरी कवायद कर रही है, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क कहीं से भी बायर के को प्रोटेक्ट करता है? सवाल उठता है कि रेवेन्यू लॉस अगर सरकार का बहुत क्रिटिकल एरिया है, क्या होम बायर्स की जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई किसी का खा कंसर्न नहीं है? क्या पॉलिसी चेंजेस और पॉलिसी ट्विकिंग जो हो रही है उसमें होम बायर्स के लिए भी प्रोविजन नहीं होने चाहिए थे? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन मुझे वो एक पुरानी फिल्म का डायलॉग याद आता है, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है।